अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम जा रहे हैं दुनियापुर, वहाँ से हमने मोबाइल फ़ोन परचेज़ करना है घर वालों के लिए, क्योंकि उनका ये जो मोबाइल है नोकिया का, ये ख़राब हो चुका है। तो हमने कहा कि उनको जो है वो नया मोबाइल फ़ोन लेकर दे देते हैं। अब ये मोबाइल फ़ोन आप देखें, इसकी कंडीशन भी काफ़ी जो है वो ख़राब हो चुकी है। अब इसकी कंडीशन ख़राब होना बनती भी है, क्योंकि ये काफ़ी अर्सा जो है वो चल चुका है। तो हमने कहा कि कोई जो नोकिया का लेटेस्ट वर्जन है हम वो ले देंगे उनको, तो चलते हैं वहाँ पर। बाकी इस मोबाइल फ़ोन की कुछ खसूसियात हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगा, तो एंड तक देखते रहना। तो सबसे पहले इस मोबाइल फ़ोन की कुछ खसूसियात पर नज़र डाल लेते हैं। आप इस मोबाइल फ़ोन को पाकिस्तान का कौमी मोबाइल फ़ोन भी कह सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोगों ने ये जो मोबाइल फ़ोन है वो इस्तेमाल किया हुआ है, और कुछ लोग तो अब कर भी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में इजाफा हुआ है, तो लोगों ने जो है वो टच मोबाइल फ़ोन की तरफ अपने आप को मूव कर लिया है। बाकी ज़्यादातर लोगों ने ये वाला जो मोबाइल फ़ोन है वो इस्तेमाल किया हुआ है। और दूसरी इसकी खसूसियात, ये बिल्कुल टूटता नहीं है। चाहे आप इसके साथ जो मर्ज़ी कर लें, आप चाहे इसको दीवार में मार दें, चाहे आप इसको नीचे गिरा दें, ये टूटता नहीं है। बहुत ही मज़बूत ये मोबाइल फ़ोन है। आपकी गर्लफ्रेंड आपसे नाराज़ हो जाए तो आप इसको अगर दीवार में मार देंगे तब भी ये बच जाएगा। बाकी ये पाकिस्तान का सीक्रेट मोबाइल भी है, क्योंकि अक्सर जो आप मोबाइल फ़ोन देते हैं उनमें ऐसे छोटे छोटे मोबाइल जो है वो नोकिया के बहुत ज़्यादा गिफ्ट किए जाते हैं। तो मतलब ये काफ़ी अच्छा एक मोबाइल फ़ोन था, है और शायद रहेगा भी। तो फ्रेंड्स, ये है जी हमारा मोबाइल फ़ोन जो कि हमने पसंद किया है, नोकिया 105 प्लस। ये मोबाइल फ़ोन है, बाहर से जो इसका कलर है वो रेड है। अंदर देखते हैं जी कैसा इसका कलर निकलता है आपके सामने। इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पर देखिए जी, बॉक्स हमारा ओपन हो चुका है। मोबाइल फ़ोन ब्लैक निकला है इसमें। ये बहुत ही प्यारा सा मोबाइल है। और यहाँ पर आप अब हम जो है वो इसको चेक करेंगे, बैटरी वगैरह इसकी और एलसीडी वगैरह वो हमें चेक करवाएगा, क्योंकि उसी की गारंटी होती है। चार्जर भी इसके साथ है, तो वो भी आपको दिखाते हैं। देखिए जी, हमने ऑन कर लिया है इसको। अब हम इसकी वारंटी वगैरह ले लेते हैं जी, उनसे हम लिखवा लेंगे, क्योंकि एक साल की इसकी वारंटी है। तो यहाँ पर ये अपने शॉप का नाम लिख रहा है जी, चांद मोबाइल दुनियापुर। और यहाँ पर इसकी अपडेट लिखेंगे हम। तो एक साल की इसकी वारंटी है, अगर कुछ भी इसको हो जाता है तो हम उसको जो है वो क्लेम कर सकते हैं। तो चार्जर भी इसके साथ है। बाकी अब हम इसको ले जाएंगे और इसको चलाएंगे, बाकी एक्सपीरियंस कैसा रहेगा वो हम आपको कभी बाद में बता देंगे। जो भी हो जाए फ्रेंड्स, नोकिया के मोबाइल फ़ोन जो कीपैड में आते थे काफ़ी अच्छे थे। तो बाकी अगर आपने भी कभी ये मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल किया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में लाजमी से बताना। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।